feels like the same without you. You're तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब सभी अच्छों को मस्तों को जबरदस्त होकर अपने लाइफ में व्यस्त होकर। तो गाइस पिछली वीडियो हमने डाली थी हिडम्बा टेंपल वाली और आज हिडम्बा टेंपल के बाद हमारे पास बहुत टाइम बचा तो हमने कहा चलो सात ताल भी घूम लेते हैं। और नितिन भाई तो पहले पूरा घूमा है, पूरा घूम लिया, यहाँ तक गए और यह है सात ताल। और अभी हम लोग उधर को जाते हैं पूरा घूम घाम के, फिर हम लोग निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। और अभी हमारे पास लगभग डेढ़ दो घंटे पूरे हैं नहीं नितिन भाई जी, सर में थोड़ा घूम लेते हैं घाम लेते हैं और आपको भी सब कुछ दिखा देते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो तो आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जाकर देख लेना, आई पैड में लिंक आ रहा जाके देख लेना। और अभी चलते हैं ताल की तरफ, चले नितिन भाई। चलो भाई। तो गाइस यहाँ पे हमको दिख गई हैं बहुत सारी डक, कितनी प्यारी लग रही है। और इनकी एक खासियत है पता है नितिन भाई, ये चलती है एक साथ ही चलती हैं, सब लाइन से चलती है सारी है। ये देखो कितनी सारी डक चल रही है और काफ़ी अच्छा है यहाँ का नज़ारा। तो गाइस अभी हमने सोचा है कि हम जाएंगे थोड़ा आगे को, यहाँ पे जाकर थोड़ा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, चिल पिल करेंगे। और ये नितिन भाई आ रहे हैं अपने, ये ताल है और ये मैं हूँ, ये हम हैं, ये ताल है और ये नितिन भाई है। और यहाँ पे घूमी घूमी हो रही है तो चलते ऊपर को। एंड गाइस आप सात ताल एडवेंचर में इन इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, मैं पहुँच कर दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नितिन भाई जो है हमारे थक गए हैं बिल्कुल, हार कर चूर के बैठ गए हैं। और ये पूरा ताल है लेकिन यहाँ पे एक खासियत है, नैनीताल का ताल का पानी जो है काफ़ी गंदा है, लेकिन आप जो यहाँ पे देखते हो पूरा साफ, नीचे तक का एक एक पत्थर दिख रहा है यहाँ पर, इतना साफ पानी है यहाँ पर। क्यों नितिन भाई? हाँ भाई बिल्कुल सही बात। और काफ़ी नैनीताल के मुकाबले तो भीमताल के मुकाबले कम टूरिस्ट है लेकिन काफ़ी अच्छा है। मैं तो जो हूँ फर्स्ट टाइम आया लेकिन मुझे यहाँ पर मज़ा आया। क्यों इतने मज़ा आया नहीं आया? तो पुराना हो गया तुम्हारे लिए, पुराना हो गया लेकिन मेरे लिए नया है क्योंकि मैं जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ पे रहते हो इतना टाइम हो गया लेकिन सात साल जो हूँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, मस्ती करते हैं, तब तक आप यहाँ पे जो थोड़ा टाइम लिप्स का मज़ा लीजिए। लोग कर रहे वाले हैं रिवर क्रॉसिंग, ये भाई जाने वाला वाइट टी शर्ट वाला। ये देखो भाई को टांग दिया, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप? तो भाई जाने वाला अभी रिवर क्रॉसिंग करने। तो ये गया भाई थोड़ा हल्ला गुल्ला करते हुए, वाह भाई। तो गाइस भाई आ रहा है वापसी उधर से, इधर से तो चला गया, उधर से वापसी आ रहा है। 300 रुपये पर पर्सन चार्ज है यहाँ का।
तो भाई लोग आप गया एडवेंचर का मजा लेते हैं तो 300 पर पर्सन चार्ज है इसका। देखो बोटिंग का भी मजा ले, चप्पल लाख छूट जा गई चप्पल। एक चप्पल गिर गई, एक चप्पल गिर गई उसमें। देखो भाई को काफी मजा ले, भाई की एक चप्पल तो वहीं गिर गई है, एक चप्पल भाई के हाथ में देखो पहनना है वो। इधर इधर गया था, सूखा था लेकिन हाथ आते पूरा गीला हो गया ये। और इसका चार्ज होगा 300 पर पर्सन चार्ज है। अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी आज हाथ की। ये आ गया भाई ऊपर, तो गाइस अब निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। और अभी तो यहाँ पे भीड़ नहीं थी लेकिन अब जो है काफ़ी भीड़ हो गई देखो यहाँ पे। और अब चलते हैं घर के लिए और मिलते हैं आपको बाइकों की तरफ जाते हुए। एक बार तब भी ताल करने जा रहे हैं, एक बार और ले लो देखो। चलते हैं अब घर के लिए यार क्योंकि काफ़ी लेट हो गया यार हम लोग घर पहुँचने के लिए। लगभग पहुँचते पहुँचते हमको अंधेरा हो तो हो ही जाएगा। और गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी बाइकों की ओर और यहाँ पे काफ़ी घूमा, काफ़ी मस्ती करी लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमको जो रिवर क्रॉसिंग में, उसमें मज़ा आया ना, तो जो भाई को पानी में डुबाया ना सबसे ज़्यादा हमें मज़ा उसमें आया। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ मार्केट। गाइस यहाँ से होती है बोटिंग और यह है यहाँ से पूरी मार्केट। रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे बना रखे हैं, यहाँ पे बिल बना दे वहाँ पर। वाडीलाल की आइसक्रीम यहाँ भी पहुँची हुई है। और चलते हैं ऊपर को। और ये आ गए हम बाइक अपनी बाइकों के पास और यहाँ से अब निकलेंगे घर के लिए। और ये वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।